हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। जैसे आपको पता ही है, मैं हर दिन वीडियो बना देता हूं अगर इन्फोसिस से इंटरव्यू इनवाइट किसी को आया है, ताकि इसलिए बनाता हूं हर दिन आप अपडेटेड रहो कि हाँ, इन्फोसिस हर दिन कंडक्ट कर रही है इंटरव्यू। और कल ना ऑफर लेटर मिला है, और ये ऑफर लेटर इतनी जल्दी मिला है ना, क्या बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। बाकी आप देख ही सकते हो, मैं काफी अच्छी अच्छी हायरिंग आपके लिए लेके आता रहता हूं, चाहे किसी भी कंपनी से हो, चाहे किसी भी कंपनी से छोटी अपडेट ही क्यों ना आई हो, मैं वीडियो जरूर लाता हूँ, ठीक है। और एक और बात आपसे करनी है, तो मैंने एक और चैनल बनाया है जस्ट अभी, कितना आई थिंक आज सुबह ही बनाया, तो आप जाके इसे भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप सीधे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए करो, तो मुझे भी अच्छा लगे कि मेहनत का फल तो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलो फिर अपना टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो पहले मैं आपको ना ये दिखाता हूँ, मैं कि देख सकते हो ये ना ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कल आया है शाम को, ठीक है। देख सकते हो 4:37 पे आया है, ठीक है। इसका भी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो इनका ऑनलाइन टेस्ट, जैसे सभी का ऑनलाइन टेस्ट मई वाला 15 मई को हुआ था, और शॉर्ट लिस्ट आपका आ गया था 23 मई को, और इंटरव्यू इनका हुआ था 5 जून को, और ओएल आया मतलब कि कल 7 जून को, और डेट ऑफ ज्वाइन इनकी है 23 जून की, ठीक है। मे बी 23 जून है या 30 जून है, थोड़ा सा चल 23 जून ही आई थिंक, अगर गलत होगा तो मैं आगे बता ही दूंगा, ठीक है। तो 23 जून की इनकी ज्वाइनिंग है, तो देख सकते हो कितनी जल्दी इनको ऑफर लेटर मिला विद इन 1 डे, ठीक है। और इनका जो वो हुआ था ना, इनके मैंने क्या, इनका भी स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था, आई थिंक इनकी 10:10 से लेके 10:19 तक इनका इंटरव्यू था, मतलब कि मान लो 50 घंटों के अंतर इनको ऑफर लेटर मिल गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि काफी लोग कमेंट करते हैं इनका अप्रैल का जो एग्जाम हुआ था उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है, काफी लोगों का ये 15 मई वाला इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ काफी लोगों का, तो बहुत सारी क्वेश्चन बनते हैं इन पे। मैं भी मानता हूँ यार, क्यों काफी लोगों का ऐसा सीन होता है, तो यार इसमें ना तीन केस होते हैं, जैसे कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़े होगे ना, उसमें समझाता हूँ। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है क्या बोलते हैं एवरेज वाला, ठीक है। बेस्ट केस तो यही आपके सामने है कि विद इन 2 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल गया, और वर्स्ट केस ये होता है कि आपको 2-3 महीने लग जाते हैं आपको ऑफर लेटर मिलने में, ठीक है। और जो एवरेज केस होता है ना इनका, जो 30 दिन के अंदर ये लोग सेंड करते हैं, वो वाला होता है एवरेज केस। तो अब देख लो आप किस केस के अंदर आप लाइक करते हो, बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में, कि एवरेज केस में, ठीक है। तो चलो मैं आपको इनके दोनों का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ 1 बाय 1। जैसे आप देख सकते हो वही सेम चीजें लिखी होती हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, कि वी होप योर फैमिली और ऑल आर वेल, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीजें हर एक जिसको भी ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद अकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है कि परसेंटेज वगैरह नहीं होगा, ये नहीं होगा तो हम ऑफर लेटर विड्रॉ कर देंगे, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो पहले बना रखी है, इसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बोलता हूँ मैं, ये जो सब्जेक्ट लाइन है ना ये अला पढ़ा करो, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, यही मैं बोलता हूँ आपको बार बार, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ट्रेनिंग वर्चुअल है कि ऑफलाइन है, ठीक है। तो अगला मैं दिखाता हूँ आपको वो, तो अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर सब्सक्राइबर होना, तो आपको पता होगा कि मैं हर दिन ही मैं ये ना ऐसा कुछ लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आपको कल वाली वीडियो में मैंने अपलोड की थी कि 8 जून को भी इंटरव्यू है, ठीक है, और आज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ कि 9 यानी कि कल इंटरव्यू है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है ना, कि जो भी 15 मई को एग्जाम दिया था, 23 मई को जिनका शॉर्ट लिस्ट हो गया है, और अभी तक क्या बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको ना आप भी अपडेटेड रहो कि हाँ यार, इंटरव्यू इन्वाइट लोगों को आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा क्या बोलते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भी इन कमिंग डेज में हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि आपका डिले ज्यादा हो रहा है, तो ये जो है ना talent.acquisition@infosys.com, इनको आप ना मैसेज कर सकते हो, मतलब ईमेल कर सकते हो कि मेरा नाम ये है, मतलब एक अच्छे से फॉर्मेट में करना, ठीक है, ऐसा कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। तो वहां पे आप अपना नाम, ठीक है, ये सर जो भी सीन है सारा कुछ अच्छे से लिख देना, कि मेरा ऑनलाइन टेस्ट इस दिन हुआ था और शॉर्टलिस्ट इस दिन हुआ था, पर अभी तक मेरा इतने दिन हो गए, अभी तक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है,
ठीक है। बाकी आपको ना प्रोसेस जानना तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपकी कोई भी डाउट है ना तो मेरे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सोशल मीडिया के हैंडल वगैरह मेंशन है, आप जाके मुझे सीधे वहां पर डीएम कर सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस फिर बाय बाय।